हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आपने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। सो देखिए, अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो मैंने कुछ दिन पहले भी कुछ लेवल्स पोस्ट किए थे। अगर मैं आज की बात करूँ तो सुबह मैंने कुछ लेवल्स पोस्ट किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो देखिए, मैंने बैंक निफ्टी में ये बड़ा क्लियरली लिखा था, वी कैन प्लान शॉर्ट इन बैंक निफ्टी इफ़ 45,238 इज़ टेकन आउट। हमें लॉन्ग कब जाना है? जब तक पिछले दिन का स्विंग नहीं निकलता तब तक लॉन्ग नहीं जाना है। हमें सेल ऑन राइस का मार्केट है तो हमें सेल ऑन राइस ही करना है। और ये जो लेवल है 45,238 का लेवल, ये मेरा लेवल आज का नहीं दिया, और ये मैंने बहुत दिन पहले ही दे दिया। लगभग मैंने मंडे को ये लेवल दिया था। देखिए बैंक निफ्टी में 45,238.80, और निफ्टी में अगर आपको शॉर्ट जाना, अगर आप देखिए निफ्टी में भी मैंने लेवल दे रखा था 19,563। तो यहाँ पे आप देखिए ये लेवल मैंने दिया था, गो शॉर्ट इन निफ्टी 19,564। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो डेफिनेटली आज मानता हूँ कि कुछ दिन मार्केट साइडवेज था, आपको थोड़ा बहुत लॉस होता है। जैसे कि आप देखिए, अगर पीछे देखिए, जैसे कि ये कल मार्केट रेंज बाउंड था। आपको एक बिगनर ट्रेडर के लिए पैसा बनाना मुश्किल होता है इन दिनों में, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो लेवल्स मैं दे रहा हूँ उनको आप अच्छे से फॉलो करते हो, तो ऐसा एक दिन काफ़ी है आपके, जो पिछले दिन के जो लॉसेज हैं उनको रिकवर करने के लिए एक दिन ऐसा काफ़ी है। ठीक है जी, सो आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है। लेकिन चलिए अभी बात करते हैं कि कल के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या ट्रेड प्लान रहेगा। सो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को। सो जैसे कि मैंने आपको ये लेवल दिया तो निफ्टी ये लेवल तोड़ चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए क्या है, निफ्टी अभी हल्का बेरिश हो चुका है। बेरिश क्यों हुआ मेरे लिए, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी ने क्या किया है, मंथली सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, प्लस 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया है। तो अभी मैं निफ्टी में टेम्परेरली बेरिश हूँ, बुलिश नहीं हूँ। मतलब कि पहले मैं न्यूट्रल था, ना मैं बुलिश था ना बेरिश था, लेकिन अभी मैं बुलिश से थोड़ा मेरा ध्यान हट गया, थोड़ा मैं बेरिश साइड हो गया हूँ। लेकिन हो सकता है कि कल मेरा ये व्यू भी चेंज हो, लेकिन एज पर अभी के व्यू के हिसाब से मेरा भी व्यू बेरिश है। सेम एज इट इज़ बैंक निफ्टी भी देखिए डेली टाइम फ्रेम में, ये भी मंथली सीपीआर के नीचे है और प्लस 20 और 50 के नीचे है। देखिए जब भी आपका कैंडल 20 और 50 के बीच में आता है ना, तो अब हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको न्यूट्रल ही रखना है। लेकिन एज पर प्राइस एक्शन देखें तो अभी मार्केट हल्का बेरिश होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, लेकिन अभी बात थी कि कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा। ये लेवल्स आप परमानेंटली मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, आने वाले दिनों में ये लेवल आपको ब्रेक आउट देते दिखेंगे, जब ब्रेकडाउन होते हुए दिखेंगे। अगर मैं बड़े ट्रेंड की बात करूँ, अगर निफ्टी 19,327 का लेवल अगर तोड़ता है तो निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तब हमें कम से कम ये लेवल भी देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 18,800 का लेवल भी हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, अगर 19,300 का लेवल टूटता है। और अभी अगर बात करें निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम में बुलिशनेस कब आएगी, बुलिशनेस आएगी इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता। आप ये लेवल नोट डाउन कर लीजिए, ये लेवल है 19,563 के ऊपर हमें कंटिन्यूसली क्लोजिंग चाहिए, तब जाके मार्केट थोड़ा बुलिश होने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। फुल ऑन बुलिश कब होगा, जब ये 19,795 का ये लेवल टूटता है, तब हम ये लेवल ईजिली ऑल टाइम हाई का फिर से एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। सेम एज इट इज़ बैंक निफ्टी में कहूँगा कि अगर ये लेवल 44,547 का ये जो लेवल आप देख रहे हैं इसको आप मार्क कर लीजिए, अगर ये लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी में हम फॉल देख सकते हैं ये वाले लेवल तक के लिए, यानी कि हम बैंक निफ्टी में फॉल देख सकते हैं 43,500 के अराउंड। अभी मुझे बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा बेरिश लग रहा है। अभी देखिए बैंक निफ्टी के पास यही सपोर्ट है 44,547 के ये लेवल की, अगर ये लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी में एक और फॉल आ सकता है जो कि और नीचे ले जाएगा। सो बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा बेरिश है। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग कब जाने का सोचना, लॉन्ग सिर्फ आपको इस लेवल के ऊपर 45,238 के ऊपर ही थोड़ा लॉन्ग जाने के बारे में सोचना है। टिल द टाइम आपको थोड़ा नेगेटिव व्यू ही रखना है, थोड़ा बेरिश व्यू ही रखना है। सेम एज इज़ निफ्टी में भी आपको थोड़ा बेरिश व्यू ही रखना है। बड़े टाइम फ्रेम में आप चार्ट को ऑब्जर्व करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सो चलिए अभी आवरली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। सही लेवल और सही डायरेक्शन हमें आवरली टाइम फ्रेम में मिलेगी, क्योंकि ये तो एक बड़ा व्यू समझने के लिए, जानने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करना चाहिए। चलिए अभी मैं पहले निफ्टी को आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ।
सो यहाँ पे हम CPR भी चेंज कर देते हैं। जब भी आपको मार्केट को आवर्ली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है तो आपको यूज़ करना है वीकली CPR। सेम एज इट इज़ बैंक निफ्टी में मैं वीकली CPR लगा देता हूँ। सो देखिए आप यहाँ पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी वीकली CPR के नीचे भी है और 20 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी है, तो मतलब कि निफ्टी ओवरऑल बेरिश होने की कोशिश कर रहा है। सेम एज इट इज़ आप दूसरे हाथ पे देखिए कि बैंक निफ्टी वीकली CPR के नीचे भी और तीनों के तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मतलब कि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा बेरिश है। तो अभी हम बैंक निफ्टी निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर कल की बात करें तो कल आपको अगर लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग जो जाना है हमें डायरेक्शनली, अगर मैं आपको बोलूँ कि बुलिश व्यू बनाना है तो आपको 45,238 के ऊपर ही लॉन्ग लेने का सोचना है। इसके अगर इन बिटवीन मार्केट खुल जाता है यानी कि 45,238 और 44,695 यानी कि इस रेंज में अगर मार्केट खुलता है तो आपको प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करना है, ना कि यहाँ पे डायरेक्टली लॉन्ग नहीं लेना। सेम एज इट इज़ निफ्टी में भी जब तक ये लेवल में मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक आपको डायरेक्शनली बुलिश नहीं होना, ठीक है, लेवल्स को देख के ही ट्रेड करना है। ये आप लेवल मार्क कर लीजिए, जब तक 19,563 का लेवल नहीं निकलता, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको डायरेक्शनली कॉल के बारे में नहीं सोचना, और बैंक निफ्टी में 45,238 का लेवल नहीं निकलता तब तक आपको लॉन्ग का नहीं सोचना। अगर किसी कारणवश कल निफ्टी, कल क्योंकि कल एक्सपायरी कुछ भी हो सकता है, अगर निफ्टी ये लेवल को तोड़ता है तो शॉर्ट जाइए, अगर ये लेवल को तोड़ता है तो आप लॉन्ग जाइए, ठीक है जी। सेम एज बैंक निफ्टी में अगर ये लेवल टूटता है तो लॉन्ग जाइए और ये लेवल टूटता तो शॉर्ट जाइए। अभी चलिए ये हो गया मोटा ट्रेंड, अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे अपन ट्रेड करेंगे, क्या व्यू रखना हमें वो चीज़ देखते हैं। सो ये मैं फिर से वही कहूँगा जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेवल मार कर रखा है 19,563 का, ये लेवल जब तक नहीं निकलता हमें लॉन्ग नहीं जाना, ठीक है जी। और सेम एज इज बैंक निफ्टी में जब तक 45,238 का लेवल नहीं निकलता तब तक हमें लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना। अभी दूसरी बात करी जाए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करी जाए तो कल हमारे पास CPR भले ही नैरो है लेकिन हमारे पास अच्छी खासी रेंज है, यानी कि आप देखिए CPR से R1 का डिस्टेंस और CPR से S1 का डिस्टेंस अच्छा खासा है। तो सेम एज इट इज़ हम कल का मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज अच्छा खासा फॉल आया तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कल भी ट्रेंडिंग रहे, क्योंकि आज हमें ट्रेंडिंग मूव ऑलरेडी मिल चुका है दोनों साइड का। बॉटम पे मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर भी किया, दोनों साइड पैसा बना, किसी ने लोगों ने पुट में भी पैसा बनाया और कॉल में भी पैसा बनाया। लेकिन अगर कल की बात करें तो थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, ऑल्द हमारे पास CPR भले ही नैरो लेकिन रेंज काफ़ी अच्छी है। तो अभी मैं आपको एग्जैक्ट 2 लेवल देता हूँ, तो 2 लेवल कौन से, निफ्टी में अगर आपको शॉर्ट जाना है तो ये आज का निफ्टी का जो लो है, सबसे जो लो है 19,423.55, तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, मैं आपको ये मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे 19,423, ये वाला लेवल 19,423.1 रुकिए इसको भी देख लेने हैं, तो ये आप एक राउंड फिगर लेवल मार्क कर लीजिए। 19,423 का अगर लेवल टूटता तो आप शॉर्ट जा सकते हैं। लॉन्ग का जो ट्रेड हमें तब ही सोचना है जब आपकी मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 19,563 के, इसके बीच में आपको जो भी, मैं तो यही कहूँगा कि आप ट्रेड अवॉइड करिए इन 2 लेवल्स के ऊपर, इसके ऊपर ट्रेड करिए और इसके नीचे ट्रेड करिए, इसके बिटवीन इन बिटवीन आप ट्रेड मत करिए। सेम एज इट इज़ बैंक निफ्टी में बोलूँ तो बैंक निफ्टी में आपका ये जो लेवल 45,238 का लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग जाना है। शॉर्ट जाने के लिए आपके लिए ये लेवल मैं आपको राउंड फिगर लेवल दे देता हूँ, ये लेवल 44,000 जो आज का लो है, यानी कि 44,718, ये लेवल टूटता तो आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट जा सकते हैं और ये लेवल टूटता तो आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड का ट्रेड कर सकते हैं। इन बिटवीन आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग जैसे भी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं आपको तो आप उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आज के ट्रेड प्लान से आप इजीली समझ गए होंगे कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, और अगर आपको मार्केट का व्यूज़ जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे रेगुलरली अपना जो व्यूज़ हैं मार्केट के रिगार्डिंग जो चार्ट्स हैं वो पोस्ट करता रहता हूँ, सो जिससे आपको मार्केट का डायरेक्शन ट्रेंड समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। सो धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।